खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिसोरा सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के ई रिक्शा चालकों के लिए आई बुरी खबर, और बात होगी सीतापुर के 8 पंचायत सचिवों से घपलेबाजी के मामले में जवाब तलब। फिर बात करेंगे कर्मचारी गए हड़ताल पर, सीतापुर में किसानों के लिए पैदा हो सकता है खाद संकट। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे यूपी में 10 नहीं 17 विधान सीटों पर उपचुनाव होने के आसार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर के अटेरिया में फेल हुई रेल, मुसाफिर हुए परेशान। पीएससी मध्य जोन की प्रतियोगिता में सीतापुर की 11वीं वाणी ने किया विजय शंखनाद। सीतापुर में बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर सांसद को सौंपा गया ज्ञापन। भारतीय किसान यूनियन की बैठक में सिधौली के अतिक्रमण और रेडिको खेतान के प्रदूषण पर हुई चर्चा। बीओ ने बिना मान्यता चल रहे स्कूल को कराया बंद। मीडिया कर्मी को अपशब्द बोलने वाले प्रधान प्रतिनिधि पर केस दर्ज। मुर्गा बने बेरोजगार तो अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर कसा तंज। यूपी में बदली पीएम आवास योजना की नियमावली। और खबरें जनपद सीतापुर से। सीतापुर नगर की सड़कों पर मनमानी कर रहे ई रिक्शा चालकों के लिए एक बुरी खबर है। जिले के यातायात पुलिस ने अब इन मनमानी पर अंकुश लगाने का निर्णय किया है। इसके अंतर्गत जहां एक और गैर पंजीकृत ई रिक्शा सीज करने की कार्रवाई की जाएगी, वहीं नाबालिग ई रिक्शा चालकों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। दरअसल शहर में ई रिक्शा की भरमार आवागमन के लिए भारी मुश्किलों का सबब बनी हुई है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने नया ट्रैफिक प्लान तैयार किया है। शहर में इसी प्लान के मुताबिक पंजीकृत ई रिक्शा दौड़ सकेंगे। सीतापुर की 8 ग्राम पंचायतों में तैनात सचिवों से विकास कार्यों को लेकर जवाब तलब किया गया। इसे लेकर जिले के पंचायत राज विकास विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल सेवता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने रामपुर मथुरा ब्लॉक की 8 ग्राम सभाओं में हुए विकास कार्यों को लेकर पत्र भेजा था। 4 सितंबर के इस पत्र में कई विकास कार्यों में फर्जी भुगतान का आरोप लगाया गया था। इसे लेकर वीडियो संदीप कुमार ने ग्राम पंचायत गोंडा देवरिया गढ़चपा बराई जलालपुर बरुआ रामपुर मथुरा बासुरा सोहरिया उमरी गणेशपुर और तुलसीपुर खरिका में तैनात सचिवों से जवाब तलब किया है। यूपी कोऑपरेटिव फेडरेशन कर्मचारी संघ की सीतापुर इकाई द्वारा 9 सितंबर से शुरू की गई काम बंद हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। हालांकि हड़ताल खत्म कराने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समझौता होना दूर की कौड़ी बना हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही कि यह हड़ताल लंबी खिंच सकती है। अगर ऐसा होता है तो किसानों को खाद मिलने में बाधा आ सकती है। जिले के करीब 80 सहकारी समितियां पीसीएफ से खाद लेती है। वहीं पीसीएफ 9 खादों की दुकानों का संचालन करता है। पीसीएफ के जिला प्रबंधक मोनिक सिंह अकेला ने बताया कि कर्मचारियों की प्रमुख मांगे 7वें वेतनमान की है। इसे लेकर एमडी स्तर पर वार्ता चल रही है। सीतापुर के जीआईसी सभागार में जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद और विशिष्ट अतिथि के रूप में सीडीओ निधि बंसल तथा सीतापुर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी मौजूद रही। समग्र शिक्षा अभियान के तहत आयोजित इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करते हुए जिलाधिकारी ने बच्चों द्वारा बनाए गए मॉडलों को काफी सराहा। उन्होंने कहा कि सीमित संसाधनों में बेहतर मॉडल प्रस्तुत करना निश्चित रूप से सराहनीय है। इस दौरान डीआईओएस राजेंद्र सिंह और जीआईसी प्राचार्य अनिल कुमार आदि मौजूद रहे। सीतापुर जीआईसी में आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी में कमलापुर के आरबीएसबी सिंह इंटर कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन शानदार रहा। जूनियर वर्ग में कक्षा 10 के छात्र विमल कुमार तथा उसके सहयोगी नीलेश कुमार उमेश पाल राज और यशोधन ने मार्गदर्शक शिक्षक अतेंद्र सिंह के निर्देशन में जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया।
इसके लिए उन्हें 3,000 रुपए से पुरस्कृत किया गया। सीनियर वर्ग में कक्षा 12 के छात्र उत्कर्ष वर्मा ने मार्गदर्शक शिक्षक जितेंद्र सिंह और परशुराम वर्मा के निर्देशन में जिला स्तर पर पहला स्थान प्राप्त कर 4,000 रुपए की नगद धनराशि पर कब्जा किया। यूपी के खेल निदेशालय द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म शताब्दी के मौके पर राज्य स्तरीय सीनियर पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। देवीपाटन मंडल गोंडा के नेहरू स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर मंडलीय टीमों का चयन किया जाएगा। इसे लेकर सीतापुर के तरणताल स्टेडियम में 12 सितम्बर को ट्रायल आयोजित किया जाएगा। प्रभारी जिला क्रीड़ा अधिकारी संजीव कुमार सिंह ने बताया कि इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित समय पर आकर प्रतिभाग कर सकते हैं। सीतापुर में समाजवादी लोहिया वानी द्वारा कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए ज्ञापन सौंपा गया। राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन बिस्सों एसडीएम मनीष कुमार ने प्राप्त किया। इस दौरान लोहिया वानी के जिला महासचिव शुभम रस्तोगी ने कहा कि सरकार तमाम बड़े बड़े दावे कर रही जबकि सच्चाई ठीक विपरीत है। बिस्सों क्षेत्र में चोरी लूट अपहरण सट्टा और जुआ का जाल फैला हुआ है। इस दौरान जिला उपाध्यक्ष हसीब अंसारी अंबुज यादव साबेज अंसारी फैजल खान शैलेंद्र कुमार राहुल यादव मोहित इरफान अजहर अली और बबलू नेता मौजूद रहे। मौजूदा वक्त में संक्रामक रोगों से प्रकोप को देखते हुए कसबंडा सीएससी टीम की ने पीर नगर और हमीरपुर में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। इन कैंपों में 100 से अधिक ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण करके निःशुल्क दवाएं दी गई। वहीं 50 मरीजों के खून की जाँच की गई। इस दौरान सीएचओ साक्षी अवस्थी एएनएम उर्मिला मिश्रा एलपी राबिन फार्मासिस्ट अभय शर्मा दया शंकर दुर्गेश उत्कर्ष शुक्ला प्रधान प्रतिनिधि विद्याधर पांडे और देवेश अवस्थी मौजूद रहे। लहरपुर ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण के सर्वे को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख उमा शंकर वर्मा ने की। गोष्ठी में मौजूद प्रधानों और बीडीसी को संबोधित करते हुए ब्लॉक प्रमुख ने आवास योजना के नए मानकों के बारे में बताया। बीडीओ प्रीति तिवारी ने कहा कि वर्तमान सर्वे में नए मानकों को ध्यान में रखकर पात्रों का चयन किया जाएगा। इस दौरान प्रधान संघ अध्यक्ष महेश वर्मा रामनाथ भार्गव शिवम वर्मा शुभम श्रीवास्तव रमेश यादव सुमन देवी और राम नरेश वर्मा सहित कई प्रधान तथा बीडीसी मौजूद रहे। सीतापुर जिले की रामगढ़ चीनी मिल का गन्ना पेराई सत्र शुरू किए जाने की तैयारी है। इसे लेकर गन्ना विकास समिति कमलापुर द्वारा 13 सितंबर को 11 बजे निकाय बैठक का आयोजन किया जाएगा। यह बैठक कसमंडा ब्लॉक परिसर में SCDI डॉक्टर दीपा सिखा और सचिव माधवराम के निर्देशन में आयोजित होगी। इस तरह की दूसरी बैठक दोपहर 3 बजे से गन्ना विकास समिति रामगढ़ में आयोजित की जाएगी। परसेंडी ब्लॉक में बेसिक विद्यालयों के बच्चों की ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। कसरैला के मिनी स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता का शुभारंभ क्रीड़ा कमेटी अध्यक्ष चंद्रमोहन शुक्ला और शांति वर्मा ने किया। इसका संचालन कुलदीप मौर्य द्वारा किया गया। इस दौरान ब्लॉक प्राथमिक शिक्षक संघ अध्यक्ष नवीन श्रीवास्तव चंद्रभूषण वर्मा मोहम्मद हारून मनीष रस्तोगी खुशतर रहमान सुधा वर्मा राजेश संध्या अभिषेक पंकज और रमेश यादव आदि ने प्रतियोगिता संचालन में सहयोग दिया। इस खेल प्रतियोगिता में खो खो के जूनियर बालक और बालिका वर्ग में UPS कसरैला की टीम पहले स्थान पर रही। वहीं खो खो की बालक वर्ग प्राथमिक प्रतियोगिता में UPS रसूलपुर और बालिका वर्ग में कंपोजिट रसूलपुर की टीमें पहले स्थान पर रही। 100 मीटर रेस के जूनियर बालक वर्ग में संदीप और बालिका वर्ग में तरन्नुम पहले स्थान पर रहे। 200 मीटर में अमन यादव तथा उज्मा फातिमा 400 मीटर में विकास तथा जूही चक्का फेंक में समी लंबी कूद में संदीप ममता और आशीष तथा संगीता ने पहला स्थान प्राप्त किया। अब बात रेल सेवा में बाधा आने से परेशान हुए सैकड़ों यात्रियों की। लखनऊ से पीलीभीत के लिए चली पैसेंजर ट्रेन जब अटरिया पहुंची तो उसके इंजन में तकनीकी खराबी आ गई। रेल स्टाफ की भारी मशक्कत के बाद भी जब घंटों इंजन सही नहीं हुआ तो लखनऊ से दूसरा इंजन भेजकर ट्रेन की अटरिया स्टेशन से पीलीभीत के लिए रवाना किया गया। इस दौरान सैकड़ों यात्री अटरिया कस्बे में सड़क पर वाहनों को तलाशते नजर आए। पीएससी मध्य जोन की 25वीं अंतरवाहिनी शूटिंग और अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में सीतापुर स्थित 11वीं वाहिनी पीएससी ने चल बैजयंती पर कब्जा करके अपना परचम फहरा दिया। 11वीं वाहिनी की टीम ने एफिशिएंसी रेस सहित शूटिंग की सभी स्पर्धाओं में विजेता होने का गौरव प्राप्त किया। यह प्रतियोगिता 11वीं वाहिनी पीएससी परिसर में 4 सितंबर को शुरू की गई थी। समापन के मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में सीतापुर पीटीसी के एडीजी जय नारायण सिंह ने सभी विजेता प्रतिभागियों और प्रतियोगिता संचालन में लगे अधिकारियों कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने 30वीं वाहिनी पीएससी गोंडा की सहायक सेना नायक दीपशिखा सिंह को स्मृत चिन्ह देकर सम्मानित किया। समापन के मौके पर
पुलिस उप महानिरीक्षक लखनऊ किरीट राठौर, 11वीं वाहिनी पीएसी के सेना नायक तथा आयोजन सचिव रवि कुमार, 27वीं वाहिनी के सेना नायक बबीता साहू, द्वितीय वाहिनी के सेना नायक दयाराम, 27वीं वाहिनी के उप सेना नायक सर्वेश मिश्रा, शिविरपाल अनिल कुमार, ब्रजेश पटेल, सहायक शिविरपाल अरविंद सिंह यादव और सूबेदार मेजर अखिलेश सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर शिक्षण संस्थान के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इनोवेशन इन साइंस परसूट इंस्पायर्ड रिसर्च कैंप का मंगलवार को शुभारंभ किया गया। यह कैंप 14 सितंबर तक चलेगा। कमला नेहरू प्रौद्योगिकी संस्थान सुल्तानपुर के निदेशक डॉक्टर आर के उपाध्याय ने मुख्य अतिथि के रूप में कैंप का शुभारंभ किया। पहले दिन जिले के 20 से अधिक विद्यालयों से आए 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। कैंप के पहले दिन को मुख्य अतिथि डॉक्टर आर के उपाध्याय और दूसरे सत्र को डॉक्टर यामिनी शुक्ला ने संबोधित किया। संस्था निदेशक डॉक्टर जगवीर सिंह ने कहा, विज्ञान करके सीखने की विधा है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर संदीप शुक्ला, कुल सचिव मनोज शर्मा, अधिशासी निदेशक डॉक्टर कुंवर अभिषेक सिंह, जितेंद्र प्रताप सिंह, आशीष त्रिपाठी, आलोक मिश्रा, डॉक्टर विजय पांडे और मुबस्सिर अंसारी आदि मौजूद रहे। इस कैंप में सिंघानिया एजुकेशनल सेक्रेट हार्ट, अग्रवाल पब्लिक, सुमित्रा पब्लिक, आनंदी सहगल, स्टडी वेल, स्टडी पॉइंट, आरआरडी, एचआरए, जीआईसी, सेंट्रल स्कूल केआईसी मोहली, राधा किशन मोहली, सरस्वती विद्या मंदिर मोहली, विशंभर नारायण हीरा पब्लिक, एसबीएम तरीनपुर तथा डीपीएस सीतापुर आदि स्कूलों ने प्रतिभाग किया। समाजवादी पार्टी की मोहली विधानसभा इकाई ने क्षेत्र की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर धौरहरा सांसद आनंद भदौरिया को ज्ञापन सौंपा। विधानसभा अध्यक्ष रमेश चंद्र शुक्ला द्वारा सौंपे गए इस ज्ञापन में बड़ा गांव या उसके आसपास विद्युत उपकेंद्र बनवाने की मांग की गई है। इस मौके पर कस्ता विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक सुनील भार्गव लाला भी मौजूद रहे। भारतीय किसान यूनियन अवध के राजू गुप्ता गुट द्वारा सिधौली में मासिक बैठक का आयोजन किया गया। रामपाल गौतम की अध्यक्षता में बैठक करने के बाद जिलाधिकारी को संबोधित 36 सूत्रीय ज्ञापन नायब तहसीलदार शशिबाला को सौंपा गया। इस ज्ञापन में सिधौली नगर को अतिक्रमण मुक्त कराने और कंदुनी की रेडिको खेतान फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषित पानी को रोके जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है। इस मौके पर संगठन के प्रदेश संरक्षक सुरेश प्रकाश सिंह, उपाध्यक्ष रोहित सिंह, गीता यादव, राजेश यादव, हरिनाम सिंह, ब्रजपाल, विनीत सिंह, किशोर रावत, छत्रपाल रावत, राजेंद्र प्रसाद और दुर्गेश सिंह मौजूद रहे। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सीतापुर में चलाए जाने वाले सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान का सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह ने शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार देशमर और उप जिला क्षय रोग अधिकारी आशीष दीक्षित सहित संबंधित स्टाफ मौजूद रहा। इस अभियान को लेकर सीएमओ ने बताया कि यह 20 सितंबर तक चलेगा और इसमें टीमों द्वारा घर घर जाकर संभावित रोगियों की खोज की जाएगी। इस कार्य के लिए 3 सदस्यों वाली 418 टीमें बनाई गई हैं। सीतापुर के सकरन ब्लॉक सभागार में पीएम आवास योजना ग्रामीण की कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीडीओ धर्मेंद्र कुमार ने आवास योजना के विभिन्न बिंदुओं को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस दौरान एडीओ दिनेश यादव, सुभाष चंद्र, रवि प्रकाश, उमाकांत और प्रदीप कुमार मौजूद रहे। हाईवे निर्माण के लिए लगी मिट्टी के ढेर से टकराकर एक एथेनॉल भरा टैंकर बीती रात सिधौली के बिस्वा चौराहे पर पलट गया। एथेनॉल के अति ज्वलनशील पदार्थ होने के चलते प्रशासन तुरंत हरकत में आया और आनन फानन में हाईवे पर एक तरफ के यातायात को रोक दिया गया। सूचना मिलते ही यातायात पुलिस और आबकारी विभाग के साथ पुलिस की टीमों में भी मौके पर मुस्तैद रही। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। गुंडलामो ब्लॉक क्षेत्र में शिवनादर फाउंडेशन द्वारा आईसीटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंगलवार को इस 6 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हो गया। राजीव शर्मा और आशुतोष मिश्रा ने बताया कि यह ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण चयनित शिक्षकों को प्रदान किया गया है। मुख्य प्रशिक्षण के रूप में राहुल आनंद और प्रिया सिंह ने प्रौढ़ साक्षरता को लेकर टिप्स दिए। अंत में प्रशिक्षु शिक्षकों को लैपटॉप और प्रोजेक्टर दिए गए। इसके अतिरिक्त शिवनादर फाउंडेशन द्वारा अपने शिक्षा प्लस कार्यक्रम के तहत सीतापुर जिला कारागार में निरुद्ध बंदियों को लेखन और पठन सामग्री तथा साक्षरता प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस दौरान जेल अधीक्षक सुरेश कुमार सिंह और प्रशिक्षण रीमा शुक्ला तथा आशुतोष शुक्ला मौजूद रहे।
सीतापुर के जैन सभागार में मुस्कान फाउंडेशन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भावना योग शिविर का समापन हो गया है। इस दौरान शिविर संयोजिका सरिता जैन ने बताया, दिगंबर मुनि प्रमाण सागर जी ने तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को प्रशस्त बनाने के लिए भावना योग की अमूल निधि प्रदान की है। शिविर का संचालन सीमा जैन ने किया। इस दौरान फाउंडेशन अध्यक्ष माधुरी सेठिया और मदर्स प्राइड स्कूल की प्रधानाचार्य मोना आनंद सहित जैन समाज की तमाम महिलाएं मौजूद रहीं। सीतापुर में लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयोग की गई वाहनों की भुगतान प्रक्रिया शुरू है। इसे लेकर एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने वाहन स्वामियों को निर्देश जारी किया है। एडीएम ने निर्वाचन कार्य में दूरी, ईंधन खर्चा और अवधि की जानकारी सहित बैंक पासबुक या क्रॉस चेक की फोटोकॉपी जिला पूर्त कार्यालय में जमा करने के निर्देश दिए हैं। एडीएम ने कहा कि 3 दिन में लॉग बुक जमा न करने वाले वाहन स्वामी खुद जिम्मेदार होंगे। सीतापुर कलेक्ट्रेट सभागार में सभा अभियोजन की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने लंबित वादों का समय से निस्तारण सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा कि टॉप 10 प्रकरणों की लिस्ट बनाई जाए, कोई भी अपील विलंब से न प्रस्तुत की जाए और यदि अपील विलंब से प्रस्तुत की गई तो इसकी रिपोर्ट लगाई जाए। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह, एएसपी डॉक्टर प्रवीण रंजन सहित संबंधित एसडीएम, सीओ व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर विद्युत विभाग के अवर अभियंता संघ की बैठक का आयोजन किया गया। वितरण खंड महमूदाबाद में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष नीरज वर्मा ने की। इस दौरान विभागीय कार्यों को करने में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में राकेश कुमार, नीरज पटेल, रवि गुप्ता, कृष्णानंद, संतोष पटेल, गोविंद मौर्य, सुरेंद्र पटेल, वीरेंद्र कुमार, अमित यादव और अमरीश कुमार आदि अवर अभियंता मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर जिले में स्मार्ट बिजली मीटर लगने की शुरुआत होते ही विद्युत उपभोक्ताओं में हड़कंप सा माहौल बन गया है। इन मीटरों को लेकर कई तरह के चर्चाओं का बाजार गर्म हो रहा है। इस अभियान का शुभारंभ जुनेजा कॉलोनी से किया गया है। विद्युत विभाग के मुताबिक इस अभियान के तहत 3 साल में करीब 15 लाख विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाया जाएगा। लखीमपुर में ईसानगर के बीईओ अखिलानंद राय ने अपने क्षेत्र के कई सरकारी और प्राइवेट स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खमरिया, महरिया, जसवंत नगर, बसड़िया और मटरिया के बेसिक विद्यालयों का निरीक्षण कर छात्र उपस्थिति में सुधार लाने के निर्देश दिए। इस दौरान बीईओ ने खमरिया में बगैर मान्यता के चल रहे एक निजी स्कूल को तत्काल बंद कर उसमें पढ़ने वाले बच्चों को नजदीकी बेसिक विद्यालयों में भेजने का निर्देश दिया। लखीमपुर में एक मीडिया कर्मी को अपशब्द बोलने वाले प्रधान प्रतिनिधि के ऊपर केस दर्ज हो गया है। संपूर्ण नगर क्षेत्र के एक पत्रकार पुनीत यादव ने सोशल मीडिया पर एक खबर चलाई थी। इसे लेकर सिंगाही खुर्द के प्रधान प्रतिनिधि गुरप्रीत सिंह ने पत्रकार को वॉइस रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपशब्द बोले थे। इस मामले को लेकर एब्जा के चीफ कोऑर्डिनेटर अनुराग सारथी और एब्जा के जिला अध्यक्ष संदीप शुक्ला के निर्देश पर संगठन के पलिया तहसील अध्यक्ष विवेक अर्कवंशी के नेतृत्व में थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया था। पुलिस ने इसे दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। इसे लेकर गोविंद कुमार, बबलू गुप्ता, विवेक सिंह, संजीव कुमार गणेश, मनोज प्रजापति, रोशन कुमार और संतोष मित्रा आदि पत्रकारों ने एब्जा संगठन का आभार व्यक्त किया है। लखीमपुर में खमरिया थाने के प्रभारी निरीक्षक विवेक उपाध्याय की बेटी इमा जान के किड्स वेयर की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। इसके बाद से इस 7 वर्षीय बच्ची संस्कृत को बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। संस्कृत के ब्रांड एम्बेसडर बनते ही अमेज़न किड्स वेयर के सारे प्रोडक्ट्स मिनटों में बिक गए, जिसके बाद संस्कृति सोशल मीडिया पर सुर्खियों में बनी हुई है। लखीमपुर के नौरंगाबाद स्थित श्रीराम भवन में जुटे हिंदूवादी कार्यकर्ताओं ने दरोगा मनोज मिश्रा को उनकी नवी पुण्यतिथि पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर समाज सेवी उमाशंकर मिश्रा ने दरोगा मनोज मिश्रा की शहादत मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है। शहीद दरोगा के परिवार को न्याय दिलाने के लिए 22 दिन तक संघर्ष करने वाले आचार्य संजय मिश्रा ने कहा कि वह इसे लेकर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से मिले थे, लेकिन उन्होंने संलिप्त नेताओं के दबाव में जांच नहीं होने दी थी। बता दें, 9 सितंबर 2015 को बरेली जिले के थाना फरीदपुर में तैनात दरोगा मनोज मिश्रा की हत्या गौ तस्करों द्वारा कर दी गई थी। बता दें, इस मामले को लेकर लखनऊ के डीपीओ पार्क में शहीद दरोगा के परिवार सहित योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत दीक्षित और लखीमपुर से एमएससी अनूप गुप्ता के साथ मौजूदा वक्त राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने भी धरना दिया था। श्रद्धांजलि सभा में देवव्रत पांडे, विपिन मिश्रा, अरुण सिंह, अनुभव मौर्य, सुरमण मिश्रा, देव जुनेजा, जसवंत राज और राजेंद्र तिवारी मौजूद रहे।
नकहा ब्लॉक के बेसिक स्कूलों का निरीक्षण करने पहुंची लखीमपुर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के सामने मिड डे मील योजना की पोल खुली तो उनका गुस्सा भड़क गया। एमडीएम में गड़बड़ी को लेकर डीएम ने हरौवा विद्यालय के हेडमास्टर विजय प्रकाश वर्मा से जवाब तलब किया। वह बिना सूचना गैर हाजिर शिक्षिका शिल्पी अग्रवाल पर वेतन रोकने की कार्रवाई की है। इसी तरह डीएम के सिराचा विद्यालय पहुंचने पर अनुदेशक अभिषेक जायसवाल गैर हाजिर मिले, इस पर डीएम ने उनका मानदेय रोके जाने का निर्देश दिया है। इस मौके पर बीएसए प्रवीण तिवारी, डीपीआरओ विशाल सिंह, डीपीओ भारत प्रसाद और बीडीओ प्रदीप चौधरी मौजूद रहे। लखीमपुर जनपद न्यायालय परिसर में 14 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जनपद न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष लक्ष्मीकांत शुक्ला के निर्देशन पर यह आयोजन जनपद न्यायालय के साथ तहसील स्तर पर भी किया जाएगा। नोडल अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव तथा प्राधिकरण सचिव योगेश यादव ने सभी वादकारियों और अधिवक्ताओं से अपील की है कि वह अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। यूपी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों का दौर जारी है। कहीं रोजगार की मांग उठ रही तो कहीं नियुक्त पत्र और समायोजन की मांग हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के लिए यह विरोध प्रदर्शन किसी सियासी वरदान से कम नहीं है। यही वजह है कि हर विरोध प्रदर्शन को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुखर रहते हैं। एक बार फिर सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके सरकार पर तंज कसा है। मामला प्रयागराज का है। यहां पर डीएलएड और टीईटी उत्तीर्ण बेरोजगार युवकों ने मुर्गा बनकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से नौकरी के लिए भर्ती निकालने की मांग की थी। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद अखिलेश यादव ने सरकार पर हमला करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि कुंभकर्णी निद्रा में लीन भाजपा सरकार। अभी कुछ समय पहले एक भाजपा एमएलए के सबसे भ्रष्ट वाले बयान को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती का फेवर किया था। उस समय इसकी बहुत चर्चा हुई। इस बार एक मुद्दे पर भाजपा और बसपा एक साथ दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर मायावती ने विरोध जताया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद ब्रिजलाल ने बसपा सुप्रीमो का समर्थन करते हुए कहा कि मायावती बिल्कुल सही कह रही, कांग्रेस हमेशा से आरक्षण विरोधी रही है। रिश्वतखोरी के मामलों में यूपी पुलिस का दामन लगातार दागदार होता जा रहा। तकरीबन हर रोज प्रदेश के किसी न किसी थाने का कोई दरोगा या सिपाही रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है। बावजूद इसके हाल हम नहीं सुधरेंगे वाला बना हुआ है। अब यूपी विजिलेंस की टीम ने कानपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए किदवई नगर थाने के मुख्य आरक्षी सहनवाज को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यूपी के पीएम आवास लाभार्थियों के लिए खुशखबरी है। अब उन्हें 15 दिन में ही लाभ की पहली किस्त मिल जाया करेगी। दरअसल योगी सरकार ने पीएम आवास योजना की धनराशि जारी होने की प्रक्रिया में कुछ बदलाव किया है। इसके अनुसार लाभार्थियों तक पैसा पहुंचाने की प्रक्रिया को संक्षिप्त किया गया है। अब धनराशि जिलों को न जाकर सीधे लाभार्थियों के खातों में जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के हाईवे आवागमन में सहूलियत दे रहे हैं, लेकिन टोल पर लोगों का खेल भारी पड़ रहा है। नियमों को दरकिनार कर टोल प्लाजा बना दिए जाने से स्थानीय जनप्रतिनिधियों में भी नाराजगी है। नियमों के मुताबिक एक टोल से दूसरे टोल की दूरी 60 किलोमीटर होनी चाहिए, लेकिन बरेली में केवल 45 किलोमीटर से कम दूरी पर दो टोल बना दिए गए हैं। आंवला से सांसद नीरज मौर ने इसका विरोध किया है। इसी तरह का विरोध सीतापुर में होता रहा है। यहां पर खैराबाद से इटौंजा टोल प्लाजा और खैराबाद से मैगलगंज टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर से काफी कम होने के बाद भी खुलेआम टोल वसूली की जा रही है। लोकसभा चुनाव में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा बनने और उससे हुए नुकसान को देखते हुए यूपी की योगी सरकार अब नौकरियों पर खास ध्यान दे रही है। इसके लिए जिन विभागों में वैकेंसी है उन पर नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की गई है। इसी कड़ी में यूपी की रोडवेज में खाली पड़े समूह खा के पदों पर यूपी लोक सेवा आयोग और समूह गा के खाली पदों पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भर्तियां की जाएंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 6 महीने 40,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। बताया जाता है कि इसे लेकर जल्द नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। यह ऐलान करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पेपर लीक गिरोह का कोई व्यक्ति पकड़ा जाएगा तो सरगना परेशान होगा। वर्ष 2019 की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के चयनित लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इससे संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश दिए थे। इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इसकी अगली सुनवाई की तारीख 25 सितंबर तय की गई है। शिक्षक भर्ती के इस मामले पर सियासत भी सरगर्म है। बसपा प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा
कि यूपी शिक्षक भर्ती के मामले में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। यूपी की योगी सरकार अवैध कब्जों पर अपने बुलडोजर एक्शन को लेकर चर्चा में रहती है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बाद इस तरह की बातें हो रही थी कि अब योगी सरकार का बुलडोजर शांत हो जाएगा, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ अवैध कब्जों को लेकर अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति पर और भी सख्त होते नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलों के डीएम और एसएसपी तथा एसपी को अवैध कब्जेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सीएम का यह सख्त निर्देश आने के बाद यूपी के प्रशासनिक अधिकारियों में हलचल तेज हो गई है और राज्यभर में नए सिरे से अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान की तैयारी की जा रही है। कई दिनों से मौसम शुष्क रहने के बाद एक बार फिर झमाझम बारिश के आसार है। यूपी के मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के मुताबिक प्रदेश के अगले से 4-5 दिनों तक अधिकांश जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। इन दिनों लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, कन्नौज और इनसे सटे जिले शामिल हैं। यूपी में सपा के 7 बागी विधायकों ने भाजपा मुख्यालय पहुंचकर सूबे की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। माना जा रहा है कि अब 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के साथ इन 7 सीटों पर भी उपचुनाव हो सकता है। बता दें, राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा के 7 विधायकों ने पार्टी लाइन से हटकर भाजपा प्रत्याशी के लिए मतदान किया था। इस क्रॉस वोटिंग में सपा का प्रत्याशी तो हारा ही था, साथ ही पार्टी की खासी किरकिरी भी हुई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इनको लेकर बयान तो दिया था, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई थी। लेकिन अब जो हालात बन रहे उसके बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सपा के ये 7 बागी विधायक इस्तीफा दे सकते हैं। इन बागियों में से राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह मंगलवार को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली पहुंचे और सुनील बंसल से मुलाकात की। फर्जीवाड़े की जांच कर रहे सीडीओ की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मामला रायबरेली जिले के सलोन ब्लॉक के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र वाला है। पुलिस अब तक इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। सीडीओ अर्पित उपाध्याय ने बताया कि अब तक यहां पर बने कुल 19,775 ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्रों में से केवल 230 ही सही पाए गए हैं। बता दें, बेहद सनसनीखेज इस मामले में शासन के निर्देश पर यूपी एटीएस जांच पड़ताल कर रही है। मरीज बनकर जिला अस्पताल पहुंचे डीएम तो व्यवस्थाओं की सारी पोल पट्टी खुल गई। नाराज डीएम ने सीएमओ और सीएमएस को जमकर फटकार लगाते हुए सभी सफाई कर्मी का 40% वेतन रोके जाने के निर्देश दिए हैं। मामला यूपी के बरेली जिला अस्पताल का है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएम रविंद्र कुमार मरीज बनकर जिला अस्पताल पहुंचे थे। डीएम ने मरीजों से पूछा कि डॉक्टर और कर्मचारी पैसे तो नहीं मांगते। इस निरीक्षण में भारी गंदगी मिलने से डीएम का पारा चढ़ गया है। नलकूप विभाग का एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। इसमें एक फर्जी कर्मचारी के वेतन मद में 16,71,000 रुपए निकाल लिए गए। मामला फरुखाबाद जिले का है। विभागीय मिली भगत से 5 कर्मचारियों के वेतन के रूप में 16 लाख से अधिक का भुगतान करा लिया गया। इसका खुलासा होने पर जांच शुरू होने के बाद वरिष्ठ सहायक को निलंबित कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।